नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के चौथे पाठ विद्या भांति सद्गुणा का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम कुत्रास्ति। तो उत्तर हो जाएगा, भागीरथी तीरे। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगरस्य राजा कः आसीत्। उत्तर हो जाएगा, सुदर्शनः। तीसरा है, सर्वस्य लोचनम किं भवति। तो उत्तर हो जाएगा, शास्त्रम्। हंस मध्ये कः न शोभते। तो उत्तर हो जाएगा, बकः। किं विहाय पुरुषार्थः विधेयः। तो उत्तर हो जाएगा, दैवम् आलस्यम् च। अगला है, कः राजपुत्रान् शिक्षयितुं स्वीकृतवान्। किसने राजपुत्रों को शिक्षा के लिए स्वीकृत किया। तो उत्तर हो जाएगा, विष्णु शर्मा। अंतिम है, महद्भिः सुप्रतिष्ठितः देवं देवत्वं कः याति। तो उत्तर हो जाएगा, अस्मः। एक बार पुनः, पहले का हो जाएगा भागीरथी तीरे, दूसरे का सुदर्शनः, तीसरे का शास्त्रम्, चौथे का बकः, पांचवें का दैवम आलस्यम च, छठे का विष्णु शर्मा और सातवें का अस्मः। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्रे कीदृशः नरपतिः आसीत्। उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्रे सर्वस्वामी गुणोपेतः नरपति आसीत। दूसरा है, शास्त्रम किम करोति। तो उत्तर हो जाएगा, शास्त्रम अनेक संशयोच्छेदनम करोति परोक्षार्थस्य च दर्शनम कारयति। शास्त्रम किम करोति, शास्त्रम अनेक संशयोच्छेदनम करोति परोक्षार्थस्य च दर्शनम कारयति। तीसरा है, के अनर्थाय भवन्ति। उत्तर हो जाएगा, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता च अनर्थाय भवन्ति। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता च अनर्थाय भवन्ति। चौथा प्रश्न है, विष्णु शर्मा तान कथम शिक्षितान अकरोत्। विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को किस प्रकार शिक्षित किया। उत्तर हो जाएगा, विष्णु शर्मा तान पशु पक्षी जंतु नाम मनोरंजका भी प्रेरणा प्रदा भीश्च कथा भी शिक्षितान अकरोत्। एक बार पुनः, विष्णु शर्मा तान पशु पक्षी जंतु नाम मनोरंजका भी प्रेरणा प्रदा भीश्च कथा भी शिक्षितान अकरोत्। प्रश्न संख्या 5, कस्य जन्म सफलम विद्यते। किसका जन्म सफल होता है। उत्तर हो जाएगा, यस्य जन्मनः वंशः समुन्नतिम याति तस्य जन्म सफलं भवति। यस्य जन्मनः वंशः समुन्नतिं याति तस्य जन्म सफलं भवति। छठा प्रश्न है, कीटः कथं सतां शिरः आरोहति। कीटः कथं सतां शिरः आरोहति। जो कीड़ा है वो कैसे सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, कीटः सुमन संगात सताम शिरः आरोहति। अंतिम प्रश्न है, राजा निज पुत्रान विष्णु शर्मणः करे कथम समर्पितवान। राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथ में कैसे समर्पित किया। तो उत्तर हो जाएगा, राजा निज पुत्रान विष्णु शर्मणः करे बहुमान पुरस्सरम समर्पितवान। प्रश्न संख्या 3,
अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। स्थूल पद को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है अविवेकता अपि अनर्थाय, तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न निर्माण प्रश्न बन जाएगा का अपि अनर्थाय। दूसरा है राजा पुत्राणाम आचारहीनतया उद्विग्न मनः आसीत, तो शब्द है पुत्राणाम, उत्तर हो जाएगा राजा केषाम आचारहीनतया उद्विग्न मना आसी। तीसरा है एकः चंद्रः तमः हन्ति, तो प्रश्न बन जाएगा एकः चंद्रः किम हन्ति। चौथा है विद्याहीनः पुत्राः न शोभन्ते, कीदृशाः पुत्राः न शोभन्ते। अगला है पांचवा, ये तो राजा पंडित सभा कारितवान, राजा ने पंडितों की सभा करवाई, तो उत्तर हो जाएगा कह राजा काम कारितवान, राजा काम कारितवान। अगला है हितोपदेशः नीति कथानाम संकलनमेव, उत्तर हो जाएगा प्रश्न निर्माण कह नीति कथानाम संकलनमेव। अंतिम है विद्यया बालकस्य पुनर्जन्म भवति, तो उत्तर हो जाएगा कया बालकस्य पुनर्जन्म भवति। अब स्थूल पद को लेकर हमने जो प्रश्न निर्माण करना है इनकी जगह पर क्या आएगा, पहले में आ जाएगा का, दूसरे का केषाम, तीसरे में किम, चौथे में कीदृशा, पांचवें में काम, छठे में कह और सातवें में कया। प्रश्न नंबर चार, अधोलिखितानाम यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुओं का जो प्रश्न है उनका निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है तत् कथम इदानीम इते मम पुत्रा गुणवंतः क्रियन्ताम, अस्मिन् वाक्ये पुत्रा इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणवंतः। दूसरा है अत्र तु दैवं कारणम इति न उचितम, अस्मिन् वाक्ये भाग्यम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो उत्तर हो जाएगा दैवम। अगला है तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा आसीत् अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम अस्ति। अत्रांतरे विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पतिः इव अवदत्, अत्र अवदत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्, तो उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अंतिम है एकश्चंद्र तमोहन्ति, अस्मिन् वाक्ये एकः इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, यह जो प्रश्न है ये विशेषण पद नहीं पूछा है क्योंकि एकः अपने आप में विशेषण पद है, यहाँ विशेषण पद की जगह पर पूछा चाहिए था विशेष्य पद, तो विशेष्य पद इसका हो जाएगा चंद्रः। प्रश्न संख्या पांच, अधो लिखित शब्दानाम पर्याय द्वयम् प्रदत्त शब्देभ्य चित्वा लिखत, पर्यायवाची दो शब्द हमें चुनकर लिखने हैं, इसमें तीन तीन शब्द दिए हुए हैं, इनमें से दो पर्यायवाची शब्द हैं उनको हमें छांटना है। पहला भागीरथी है, भागीरथी का के दो पर्यायवाची पद हो जाएंगे गंगा और जाह्नवी। दूसरा है नरपति, नरपति के दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे भूपति और नृपः। लोचनम, लोचनम के दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे नयनम और अक्षी। इधर चौथा है चंद्रः, चंद्रः के हो जाएंगे हिमकरः और निशापति। फिर अंतिम है सुमनम, सुमनम के हो जाएंगे प्रसूनम और पुष्पम। संख्या छः, अधोलिखित पदानाम समक्षम
तदविपरीतार्थकम् पदम् लिखत। हमें अब विलोम शब्द लिखने हैं। विपरीतार्थक पद का मतलब हुआ विलोम शब्द। जैसे उदाहरण दिया यौवनम का वार्धक्यम, ऐसे ही समुन्नतिम का हो जाएगा अवनतिम। तो समुन्नतिम को हम मिला देंगे अवनतिम से। अनधिगत शास्त्रा, अनधिगत शास्त्रा का हो जाएगा अधिगत शास्त्रा। और उन्मार्गामिनः हो जाएगा सुमार्गगामिनः। फिर तमः का ज्योति, विद्वान का मूर्खः और शत्रु का मित्रम। इस प्रकार हम यौवनम वार्धक्य उदाहरण के देखते हुए समुन्नतिम को मिला देंगे अवनतिम से, अनधिगत शास्त्रः को मिलाएंगे अधिगत शास्त्रः, उन्मार्गगामिनः को सुमार्गगामिनः, तमः को ज्योति से, विद्वान को मूर्ख से और शत्रु को मित्रम से। प्रश्न संख्या 7। अधोलिखित पंक्तयो आशयेषु शुद्धम आशयम राइट इति चिन्हीकुरुत। हमें जो शुद्ध आशय है, शुद्ध भाव है, उसके चुनना है, राइट लगाना है। तो कथन है, सह जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। वह पुत्र जिसके पैदा होने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है। तो तीन दिए हुए यहाँ पर। पहला, यस्य जन्मात्रेण वंशः समुन्नतिं याति, यस्य जन्मनः पश्चात वंशः समुन्नतिं याति, यस्य गुणैः कर्मभिः च वंशः सर्वविधां उन्नतिं करोति। तो आशय हो जाएगा तीसरा, यस्य गुणैः कर्मभिः च वंशः सर्वविधां उन्नतिं करोति। ख, अस्ति कश्चित् नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः। है कोई ऐसा जो नीति शास्त्रों के उपदेश से मेरे इन पुत्रों का पुनर्जन्म कराने में सक्षम हो। तो अत्र कः एवं भूतः विद्वान्, यह नीति शिक्षया मूर्खान् पुत्रान् व्यवहारे निपुणान् कर्तुं शक्नोति। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, पहला ही। क्वेश्चन नंबर 8। अधोदत्ते अन्वये उचित कर्तृपदाभ्याम रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। नीचे दिए हुए अन्वय में उचित कर्ता लगाकर, कर्तृपद लगाकर स्थान पूर्ति कीजिए। तो पहले में आ जाएगा कीट और दूसरे में आ जाएगा अश्म। पहले में कीट और दूसरे में अश्म। तो हो जाएगा कीट अपि सुमन संगात सताम शिरः आरोहति महद्भिः सुप्रतिष्ठितः अस्मः अपि देवत्वं या। अंतिम प्रश्न है, कथा क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत। कथाक्रम के अनुसार इन वाक्यों को पूरा लिखना है। इसमें नंबरिंग नहीं करनी चाहिए, हमें वाक्य फिर से लिखने चाहिए। जैसे जो पहला वाक्य, अब क्या हो जाएगा इसमें, जो ङ है यानी कि जो पांचवा है वो पहला हो जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम आसीत। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा छ। छ क्या है, पाटलिपुत्रे सुदर्शनः नाम सर्वगुणोपेतः राजा आसीत। तीसरे नंबर पे आ जाएगा च। च में क्या है, राज्ञः पुत्राः अनधिगत शास्त्राः नित्य उन्मार्गामिनः आचारहीनाश्च आसन। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा ख, राजा पंडित सभाम कारितवान। और पांचवे नंबर पर आ जाएगा घ, भो भो पंडिता किम कश्चित् विद्वान् अस्ति यः मम पुत्रान् शिक्षयितुं समर्थः। छठे नंबर पे आ जाएगा ग, विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पति इव आसीत। और अंतिम हो जाएगा क, राजा निज पुत्रान् विष्णु शर्मणः करे समर्पितवान्।